आप हज़रा मरक़ वल जमात सरगोदा में बारह रोज़ा दौरा मसाइल में शरीक हैं और आप हजरात दूर दराज से सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं हमारे यहाँ मरक़ में बुनियादी तौर पर जो इस कोर्स में तवज्जो दी जाती है वो दो तरह की है एक ये है कि आपको ख़ुद अपने अकायद और मसाइल समझ आए और आपको अपने मसलक का तारुफ हो जाए और दूसरा ये है कि कल को बवक़ ज़रूरत अगर आपको इन मौजुआत पर बात करने की ज़रूरत पेश आती है तो आप हजरात के पास ये फ़न भी आना चाहिए कि आप अगले से गुफ्तु और बात भी कर सकें तो हमारा जो सबक़ है और ख़ूस मेरे सबक़ में जो अंदाज और गुफ्तगु होगी वो दोनों तरह होगी कि आपको समझ में भी आए और कल को बवक़्त ज़रूरत अगर आपको कहीं बयान करने की या बात करने की ज़रूरत पेश आती है तो आपको वो तरीका भी मालूम हो उसकी वजह क्या है कि हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं लेकिन आगे हम समझाना नहीं जानते और कभी ऐसे होता है कि हमें कुछ चीज़ें समझ आती हैं लेकिन उस पर हम गुफ्तु करना नहीं जानते तो हमारे पास दोनों ज़बानें हों दोनों अंदाज़ हों हमें ख़ुद भी समझ में आए हम आगे अवाम उन्नास में दूसरों को भी समझाएं, और अगर कल को हमारे सामने किसी किस्म की ऐसी नौबत आ जाती है तो हम वहाँ से पीछे न हटें और अपने मसलक और अपने मज़हब का दिफा ख़ूब से खूब कर सकें अब आप हजरात ये समझेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है यही एक सवाल मुझसे जामिया दारूम कराची के एक तालब इम ने किया वो तखसस के थे ऐसी जाना हुआ तो सारे तलबा बैठे थे तो उसमें एक तलबिल्म ने सवाल किया कि मुफ्ती साहब इन मसाइल पर और इन अकायद पर अलग से तलबा को समझाने की ज़रूरत ही क्या है बज़ाहिर उसका सवाल ठीक था कहा कि ये तो हम अपने मदरसे में जामयात में पूरा साल और आठ साल हम पढ़ रहे हैं मसाइल और अकायद मैंने उनसे कहा कि पहली बात ये है कि आप हजरात ने आठ साल मदरसे में वक्त लगाया है और आपने मदरसे में रहकर हनाबिला शवाफ़ और मालकिया इनके इख्तलाफात आपने खूब पढ़े हैं और ऐसे याद किए हैं कि इम्तिहानात के लिए आप इख्तलाफात को अजबर करते हैं और दूसरी बात यह है कि अगर आप मदरसे से फारग हो जाएं और आप बाहर जाएं तो कभी किसी हम्बली ने आपके मसलक या अकीदे पर एतराज़ नहीं किया कभी किसी शाफ़ी ने आपको आप कभी किसी शाफ़ी को आपका सामना नहीं करना पड़ा आपने नहीं किया और कभी किसी दूसरे फ में किसी मसलक वाले का आपने कभी अपने ऊपर एतराज़ भी नहीं सुना चैलेंज भी नहीं सुना कुछ भी नहीं सुना जबकि आपने पूरे आठ साल में इख्तलाफात यही पढ़े अब आप मदरसे से बाहर निकलते हैं तो आपको यही एतराज़ा का सामना करना पड़ता है लेकिन आगे से न वो हम्बली है न वो शाफ़ी है न वो मालकी है आगे से वो एक चौथी नसल है जो मुल्क में फिर वारियत फैलाने के ऊपर काम कर रही है आपने आठ साल में तो सोचा भी नहीं था कि क्या मुझसे ये सवाल भी हो सकता है मैंने कहा अब आप जवाब कहाँ से देंगे अब परेशान जी हमने तो सारे इख्तलाफ़ात पढ़े हमने तो सब कुछ पढ़ा लेकिन आखिरकार आप उन्हें ये जवाब देंगे छोड़ें इन मसलों को ये तो फ्रूई इख्तलाफ़ात हैं कोई ऐसे बात ही नहीं है वो भी करें यह भी करें ठीक है तो इसका मतलब आपने मुस्तकिल उसको दलील दे दी कि आपका अमल ये भी ठीक है और बाकी फुकाहा का अमल ये भी ठीक है तो हमारे पास जब लोग आते हैं कि मौलाना साहब के, के फ़लाँ ने फलाँ इदारे ने और फल मौलाना साहब ने तो कहा ठीक है आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इस बात पर कि आप शद्दोमत के साथ और आप गौर और फ़िक्र और इस अंदाज के साथ आप बात करते हैं गोया कि ना इनका कोई अकीदा है ना इनका कोई मसलक या मजहब है हमने कहा कि वो क्यों नहीं कहते ये उनसे पूछें हम क्यों कहते हैं ये हमसे पूछें हर बंदा अपना काम करे और दुनिया में सवाल करना बहुत आसान है और सवाल का जवाब तलाश करना या सवाल का जवाब देना या सवाल वाले के सवाल को समझना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है और मुश्किल ऐसे लोगों के लिए होता है जिनका कभी ऐसे वास्ता नहीं पड़ता बसा औकात सवाल करने वाले का सवाल ही ठीक नहीं होता और बसा औकात सवाल जिस शख्स ने किया है उसका जवाब हमने पढ़ा भी है हमारे पास है भी लेकिन देना नहीं आता और बसा औकात ये होता है कि सब बात किसी और ने कही उसका हवाला और दलील और उसका जवाब आपसे पूछेंगे तो पहला उसूल यह तय कर लें जिसने बात कही है जिसका सवाल है आप उसको उसी तरफ फेरने कहें जिसने ये बात कही है आप ये वजह उनसे जागे पूछें जिन्होंने अपने बयान में जो बात की है हवाला उनसे जागे तलाश करें हम जो बात करेंगे हम अपनी गुफ्तगु में दलाइल भी रखते हैं और हम अपनी गुफ्तगु में वजन भी रखते हैं अगर हमारी गुफ्तगु पर आपको एतराज़ है आप ऐतराज़ करें जवाब हम देंगे सवाल किसी और का होगा जवाब किसी और से एतराज़ कहीं होगा जवाब कहीं से तलाश करेंगे और फिर उसके बाद हमारे सामने जब सवाल आता है तो हम परेशान होते हैं तो मैंने उस साथी से कहा कि मदरसे से निकलने के बाद आपको जिन फितनों का सामना करना पड़ता है अपने इलाके में अपने देहात में जाकर, तो आपको उनको भी समझना चाहिए अगर वो सवालात और वो उन फितनों को आपको से निज़ामी में समझाया जाता है तो बहुत अच्छा अगर नहीं समझाया जाता तो हम ये कहते हैं कि मौजूदा दौर के जो फितने हैं उनके रद्द के लिए और अपने मसलक के दिफा के लिए ये कोर्स है तो कोई बुरी बात नहीं है आपने जो आठ साल पढ़े वो भी ठीक हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं ये भी ठीक हैं वो इख्लाफात वो थे जो आइम्मा के साथ थे और इस वक्त के वो इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं जो हमारे साथ हैं तो हमने उनका दिफा भी करना है दूसरी बात मैंने ये कहा कि देखें मदरसे में रहते हुए नमाजों की पाबंदी होती है होती है मदरसे में रहते हुए बाकी तमाम आमाल सुन्नत, मुस्तहबात और नवाफिल की पाबंदी होती है जी होती है मदरसे में रहकर कोई बेअमाली तो नहीं होती कहा जी नहीं तो मैंने कहा कि आप किस जब सालाना छुट्टियां होती हैं तो आप हजरात ये फ़िक्र क्यों करते हैं कि भाई हमें चिल्ले में जाना चाहिए और फिर ये भी फिक्र क्यों करते हैं कि आठ साल फारिग होने के बाद हमें एक साल लगाना चाहिए तो हमारी दावत व तबलीग वालों की तरफ़ से ये जवाब समझाया जाता है कि भाई आमाल में मज़ीद पुख्त आ जाए और जो कमी कोत रह गई है वो पूरी हो जाए और तीसरा जवाब ये दिया जाता है कि ये दीन दूसरों तक पहुँच जाए उसका अंदाज़ आ जाए तरीक़ा आ जाए मिजाज आ जाए और दावत व तबलीग के फिर सारे उस लूब हैं तो हमने कहा कि ये जो हमारे यहाँ तख़सुस और बारह दिन का कोर्स होता है इसका मतलब ये है कि जो कमज़ोरियाँ रह गई हैं वो पूरी हो जाएँ और जो मौजूदा दौर के फितनों का अंदाज़ है वो हमें सही मानों में आ जाए और मज़ीद हमारे इलम में पुख्तगी आ जाए और दूसरों को भी हम इसकी तरफ मुतव कर सकें हमारे यहाँ इश्काल और एतराज़ तब पैदा होता है कि जब हम आपस में टकराव और मुखालफत की फ़िजा पैदा कर देते हैं बसा औकात आपस में कोई मुखालफत या टकराव नहीं होता उसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे ऊपर सवाल ये होता है गैर मुकल्दीन की तरफ से कि जी कलमा किसका पढ़ा है काजी नबी अलैहि वसल्लम का क्या कलमा पढ़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अच्छा जी आप नमाज किसकी पढ़ते हैं जी हम नमाज इमाम इमामाज अबू हनीफ़ा रहमत अलैह के बताए हुए तरीके के मुताबिक और उनकी फिकर के मुताबिक पढ़ते हैं तो फिर वो सवाल करते हैं ये बताओ कि जब कलमा तुमने महम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा नमाज तुम अबू हनीफा वाली पढ़ते हो अब ये ऐसा सवाल का अंदाज़ है गोया कि अबू हनीफा महम्मदोल्ला वसलम के क्या है मुखालिफ हैं मुकाबल हैं टकराव है, है। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है अबू हनीफा और मोहम्मद सल्लाम दोनों एक ही हैं कि मसाइल बताने में अल्लाह के नबी सल वसल्लम के पास जो कुछ था साहब इकराम रिजवान मजमाइन ने लिया साहब इकराम से इमाम आजमीफ राहम ने लिया तो उम्मत में समझाया यह जाता है कि अबू हनीफा और रसूल सल्लाम क्या है आपस में मुखालिफ है हालांकि ऐसी बात नहीं है तो हमें क्या समझाना है कि अबू हनीफा अलैहि वसल्लम के मुकाबले में मुखालिफ में नहीं है बल्कि उन्हीं की तरफ लेकर चलने वाले हैं अबू हनीफा तो एक रास्ता है अब उसकी दुनियावी मिसाल दे दें कोई हमसे ये सवाल करता है कि जी आप सरगोदा में रहते हैं या आप पंजाब में रहते हैं अब यह सवाल ही गलत है गोया कि वो सरगोदा को पंजाब का मुखालफ इलाका समझता है जबकि सरगोदा क्या है पंजाप वो पंजाब ही है ये ऐसे ही है जैसे हमसे सवाल ये होता है अहिल बिदत की तरफ से कि हजूर अलैहि वसल्लम को आप नूर मानते हैं या बशर अब ये सवाल ही ठीक नहीं है हम हजूर को नूर भी मानते हैं और हम सल्लल्लाहु अलैहि वसम को बशर भी मानते हैं सिफ़ात के अतबार से हजूर सल्ल वसम नूरानी है और ज़ात के अतबार से हजू सल वसम बशर हैं तो नूर और बशर का आपस में टकराव ही नहीं है पंजाब और सरगोदा का आपस में टकराव ही नहीं है और इमाम आजम अबू हनीफा रमत का और रसूल सल्ह वसलम का आपस में टकराव ही नहीं है और जितने महदसिन हैं सिहाय सिता के इनका या अबू हनीफा का टकराव ही नहीं है इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ ही नहीं है इमाम मुस्लिम इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ ही नहीं है इमाम तिरमिज़ी इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ ही नहीं है तो ये फिजा बनाई जाती है कि देखें इमाम बुखारी ने क्या कहा अपनी किताब में कौन सी हदीस लाई और अपना इमाम आजम अबू हनीफा क्या बताते हैं हालांकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमत आल तो पहले के हैं सिहाय सिता के जितने मुसन्फी नहीं यह तो बाद के हैं तो आप पहले वाले को बाद वाले से टकरा रहे हैं ये तो आपकी जहालत है आप बाद वाले की बात को लेकर मुस्तनद मान रहे हैं और पहले वाले की बात को लेकर आप गैर मुस्तनद मान रहे इमाम बुखारी रहमत अलैह तो इमाम आजम अब हनीफा रहमत अलैह के बाद के हैं इमाम आजम हनीफा नीफा अलैह की पैदाइश अस्सी की और वफात है एक सौ पचास की और इमाम बुखारी रहमतल्ल अलैह की पैदाइश एक सौ चौरानवे की और वफा है दो सौ छप्पन की तो इमाम आजम अबू हनीफा कब के हैं और इमाम बुखारी रमत आल कब के हैं तो ये तो अकल भी नहीं कहती कि आप पहले वाले को बाद वाले के मुखालफत में ठहरा दें हाँ ये तो बात समझ में आती है कि आप यूँ कहें कि इमाम बुखारी इमाम आज़म हनीफा के खिलाफ हैं लेकिन ये भी नहीं है उसकी वजह क्या है कि दोनों का फ़न अपना अपना है इमाम आजम अबूनीफा रहमत लहद्दस भी हैं इमाम अजम अबूनीफ़र रहमत अलैह फ़कीह भी हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुहदस हैं इमाम बुखारी का जोक हदीस का था तो अगर हदीस मुबारक मुबारक में एक तरफ़ हदीस की सनद है और एक तरफ़ हदीस का मतन है इमाम अजम अबूनीफ़र अहमत अलैह की नज़र हदीस की सनद पर भी है इमाम अज़म अबीफ़र अहमत लाई की नज़र हदीस के मतन पर भी है तो इमाम आजम आजमीफर रहमत बड़े हुए उनका इलम मकाम और मरतबा बुलंद है और इमाम बुखारी रहमत की नज़र सिर्फ हदीस की सनत पर है अब उसकी मिसालें क्या हैं इमाम बुखारी रहमत का ही नहीं था इमाम आजम भनीफर रमत ने अपनी किताब में सही बुखारी में जिन अहादीस को जमा किया है वो हदीस की सनत के तर्ज पर जमा किया है उनका अपना एक क था और अपनी शराब थी उसके मुताबिक उन्होंने हदीस लाई है उन्होंने ये नहीं देखा कि इस हदीस के मतन पे अमल है या नहीं है जैसे आपने सुना होगा कि इमाम बुखारी रहा ने अपनी किताब में बैठकर पेशाब करने की एक भी हदीस नहीं लाई खड़े होकर पेशाब करने की लाई है अब अगर कोई यह कहे कि इमाम बुखारी अले तो हजूर की उस सुन्नत के खिलाफ थे और उसका इनकार कर रहे हैं कि बैठकर पेशाब करना तो है ही नहीं असल तो है खड़े होकर पेशाब करना वजह क्या है दलील यह है कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब में हदीस लाई है और फिर एक जगह भी नहीं लाई बल्कि तीन मौकों पर इमाम बुखारी रमत ला ने लाई है अब इसका क्या मतलब हम इमाम बुखारी पे इल्जाम ठहरा दें कि वो जो है बैठ कर पेशाब करने के कायल नहीं है किसी ने आज तक दुनिया में ये कहा तो अगर आपने मुकाबला और तवाजुन करना है इमाम बुखारी और इमाम आजम अबू हनीफा फरहतल का और आपने मैार बनाना है सही बुखारी को फिर तो आप ये देखें कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सही बुखारी में है और कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सही बुखारी में नहीं है तो आप फिर ऐसा करें जो सही बुखारी में है उन सब को माने और जो सही बुखारी में नहीं है उन सब का इनकार कर दें क्यों आप हमारे लिए भी यही तराजू रखते हैं कि जी सही बुखारी में देखें साबित है सही बुखारी में देखें मुक्तदी के लिए पढ़ना साबित है आप सही बुखारी ये बात की बात है कि उनकी दलील है या नहीं साबित होता है या नहीं आप सही बुखारी में ये देखें और ये देखें तो हम कहते हैं आप ये बताएं अगर आपका मैार सही बुखारी है तो फिर सही बुखारी पे बात कर लेते हैं सबसे पहले यह है कि आपको इमाम बुखारी रहमत की तरह मुखलद बनना पड़ेगा क्यों इमाम बुखारी रमत इमाम शाफी रहमत के हैं तबकात तबकिया में लिखा है अला मतदी सुबकी रहमत ने और खुद गैर मुखल्दीन के आलिम ने भी लिखा कि इमाम बुखारी रमत इमाम शाफी रहमत के हैं तो फिर सबसे पहले आपको अगर इमाम बुखारी को मैार बनाना है तो फिर आपको तकलीद माननी चाहिए तकलीद आप नहीं मान रहे अगर आपने सही बुखारी को मैार बनाना है तो फिर आपको तीन तलाक़ को तीन माननी चाहिए क्योंकि इमाम बुखारी रमतल भी तीन तलाक को तीन मान रहे हैं अगर आपको इमाम बुखारी रहमत लाला को मैार बनाना है तो फिर आप तहज और तरावी की नमाज को अलग अलग कर दें क्योंकि इमाम बुखारी के नज़दीक ताजद की नमाज़ अलग है तरावी की अलग है की नमाज आठ रकात है और तरावी की नमाज जो है वो बीस रकात है तो फिर आपको भी इमाम बुखारी की तरह और तरावी अलग नमाजें भी मानना चाहिए और उनकी रकात भी बुखारी वाली माननी चाहिए आप वहां पर भी नहीं खड़े अगर आपको इमाम बुखारी रहमत को मानना है तो फिर आपको फिका का कायल होना पड़ेगा क्यों आप खुद समझते हैं कि इमाम बुखारी रमत ने जो अहादीस के ऊपर उनवान बांधे वो इमाम आजम हनीफा रमतल आल का फिकौक़ है और इमाम बुखारी ने नेुनवान बांधा बाबू मयूरी दिल्ला खैर फ़क़ी फिद्दीन फिका के उनवान पर इमाम बुखारी ने बांधा जबकि आप गैर मुखल्दीन कहते हैं कि फ़िका तो एक अलग चीज़ है फिका का ताल्लुक न कुरान से है हदीस से है। तो अगर आपको बुखारी को मानना है तो फिर आपको सही बुखारी किताब के ऊपर हाथ लगाने से पहले आपको बुखारी को पूरा मानना पड़ेगा सिर्फ लफ्ज बुखारी को नहीं मानना दुनिया में जबता क्या है एक बात याद रखें कि यह बहुत आसान सा काम है कि जो लोग ये कहेंगे कि हम शेखुल कुरान हैं आप परख पर लें जायजा लें दलाइल कर लें आपको वो कुरान की आयत का इनकार करते हुए नजर आएंगे आप दुनिया घूमें आपको जो अहले हदीस कहते हुए नजर आएंगे आप दलाइल और उनके मसाइल का जायजा लें आप वो मुनक्रीन हदीस नजर आएंगे और दुनिया में आप जायजा लें जो आपको अलिया उल्ला और बुजुर्गान दीन के ताबे नजर आएंगे वो आपको अलिया और बुजुर्गान दीन से हटते हुए नजर आएंगे क्यों उस पर मिसालें हम अवाम्नास में ये मैं आपसे भी कहता हूँ जब आप आवाम में गुफगु करें तो वो हमारे ख़िलाफ़ ये जहन साजी करते हैं कि देखें कुरान की आयत है इन्होंने छोड़ी है ये देखें हदीस मुबारक है इन्होंने छोड़ी है तो बिल्कुल इसी तरह आपको भी आवाम में यही तर्ज अपनाना पड़ेगा कि वो कुरान की आयत जो इन्होंने छोड़ी है वो अहादी से मुबारक जो इन्होंने छोड़ी हैं उसकी मिसाल क्या है हम जैसे अवाम में जाते हैं कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ ये फजा बनाई कि यह मुनकन कुरान है हमने कहा कि हम मुनकन कुरान नहीं मुनक्रीन कुरान असल में ये क्यों उठाएं कुरान की आयत वला तकुलम युतलुफ़ी सभी अमवात बल अहियाँ वला किला तशर उठाएँ कुरान की आयत वला तहसबन अल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून उठाएं कुरान की आयत वलौ अन्नहुम इज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर लहुम अर्रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा उठाएं कुरान की आयत इन्नक मय्यितुम व इन्नहुम मय्यितून उठाएं आप कुरान की आयत के वो आयत जिनका इन्होंने इनकार किया कोई अपने मौकफ के अलावा अपने मौकफ के से हट कर कोई कुरान की आयत पढ़ने से अगर दलील बनती है तो फिर जब आप हमारे मौकफ पर हम से कुरान की आयत का मुतालबा करेंगे तो फिर हम भी अपने मौकफ से हट कर कुरान की आयत पेश करेंगे जब हम कोई कुरान की आयत पेश करते हैं तो वो कहेंगे इस कुरान की आयत में ये जिक्र है इस कुरान की आयत में नबी की हयात का जिक्र है इस कुरान की आयत में जो है इस कुरान की आयत में अल्लाह के नबी के माँ का है। तो हम जब पूछते हैं वो कुरान की आयत पढ़ते हैं तो हम ये सवाल करते हैं कि बताओ इस कुरान में की आयत में उसी अकीदे का है जिसको तुम मानते हो कह लगे नहीं हमने कहा कि जब तुम कुरान की आयात में एक आयत अपने अकीदे पर पेश नहीं कर सकते तो तुमने हमारे मुकाबले में यह समझाया ये कुरान है, उठाओ अपना नजरिया आप कुरान के तीस पारों में कुरान की एक सौ चौदह सूरतों में अलहमद से लेकर वन्नास तक नबी कबर में जिंदा नहीं है शेख कुरान, तुम हो कुरान की आयत तुम पढ़ो बात ठीक है या गलत है, थीक है, थीक है। नहीं ठीक हो तो ठीक है गलत हो तो गलत क्या है, है न कबर में जिंदा नहीं है शेख कुरान तुम कुरान को मानने वाले तुम हमारे ऊपर इल्जाम के मुनक्रीन कुरान है कुरान से ये बात हैं, अकीदा तुम्हारा कुरान खुदा का अकीदा तुम्हारा हदीस नबी की अकीदा तुम्हारा सहाबा के अकवाल अकीदा तुम्हारा सहबा का तर्ज अकीदा तुम्हारा ताबीन मुफसरन मुहदसिन नबी से लेकर आदम से लेकर उलमा देवबंद तक एक कोई ऐसा दिखा दो जो नबी की हयात का मुनकर हो ये कब होता है ये जब अपने अकायद पर दस्तरस हो ना और खूब तशफी हो फिर बंदा सवाल करता है कि उठाओ कुरान की आयत और पढ़ो कुरान के मुताबिक अकीदा ये तब यह ये दाए बैं बिल्ली और उनकी तरह छुप छुपा कर बातें नहीं होती क्यों ये उस वक्त होता है कि जब आपको अपने अकायद पर खूब तशफ़ी हासिल हो और आपको मुखालिफ के नज़रिए के मुताबिक आपको उनके मौकफ़ का पता हो फिर आप धड़ल्ले से सवाल करें मसला गैर मुकल्दीन का है जी हम हदीस हैं हमने कहा बहुत अच्छा आपने अपने आप को अहल हदीस कहा हमें मुनकरीन हदीस कहा आपने हमें हदीस का मुखालिफ क्यों कहा कि आप कहते हैं कि जी इनकी नमाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ है आप हमें मुनकरीन हदीस क्यों कहते हैं कि ये हदीस को नहीं मानते आपने कहा कि इनकी नमाज अबू हनीफा वाली इनकी नमाज रसूलुल्लाह वाली नहीं है दलील क्या है कहा कि देखो नमाज में ये यदेन नहीं करते अल्लाह के नबी की हदीस कहती है यदेन है ये देखें नमाज में सूरतलफ़ातः मुक्तदीन का नहीं पढ़ता अल्लाह के नबी कहते हैं कि सूरत अलफिया पढ़ें और ये कहते हैं कि अगर नमाज में आमीन जो है वो ज़ोर से कहें आहस् आवाज़ से कहें हदीस कहती है कि ज़ोर से कहें ये कहते हैं कि तीन तलाक वो तीन होती हैं हदीस कहती है कि तीन एक होती हैं और ये कहते हैं कि नमाज में नाफ़ के नीचे हाथ बांधना है हदीस कहती है कि सीने पे हाथ बांधना हमने कहा अब आओ तुम लाइन पे लगो यदैन साबित है या नहीं ये बात अलग बात लेकिन तुम ये बताओ अल्लाह के नबी से यदैन का छोड़ना साबित इस हदीस का इनकार तुमने किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुक्तदी के लिए सूरत फातिहा न पढ़ना साबित इनकार तुमने किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावी की हदीस का इनकार तुमने किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तीन तलाक तीन होती हैं इनकार तुमने किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में आमीन आहिस्ता कहना है इनकार तुमने किया खारी का इनकार मुस्लिम का इनकार तुमने किया इब्ने माजा का इनकार तुमने किया, किया।, किया। तिर्मिजी का इनकार तुमने किया इमाम बुखारी के नाम पर लोगों को धोखा अहले हदीस के नाम पर अहले हदीस के नाम पर अहादीस वालों को धोखा तुमने इमाम मुस्लिम के नाम पर लोगों को धोखा दिया अब तुम लाइन पे लगो हवाले हम पेश करते हैं कि कहां कहां तुम अहादीस से कैसे भागते हो यह है अवामी तर्ज जैसे उन्होंने किया वैसे हम समझाते हैं अगर बाजार लोगों को यह नजर आ रहा है कि हमने हदीस छोड़ी है तो हम भी लोगों को यह बताएं कि देखें इन्होंने भी हदीस छोड़ी है उन्होंने ये समझाया कि देखो इन्होंने कुरान छोड़ा हमने भी यह समझाया कि देखें इन्होंने कुरान छोड़ा और ये बात मैं आपको अगर समझा सकूं कि सबसे पहले अपने अक़ायद और मसलक पर इंसान को एतमाद होना चाहिए उसकी वजह क्या है कि अगर कोई ये कहता है कि कुरान की आयत हम पेश करें और वो कुरान की आयत हमारी दलील मानने के लिए तैयार नहीं अगर हम हदीस मुबारक पेश करें वो मानने के लिए तैयार नहीं अकीदा हमारे देवबंद का और मसला हमारे देवबंद का मसला इमाम आजम अबू हनीफा का मसला सहाबा का और मसला नबी से साबित तो ये कैसे हो सकता है कि जो मसला या अकीदा हम तक पहुंचा हमारे अकाबरीन तक पहुँचा ये कैसे हो सकता है कि जो दलाइल आज तुम पेश कर रहे हो ये क्या उनके सामने नहीं आए थे ये क्या मसाइल जब इमाम आज़म अबू हनीफा रमत मसाइल बता रहे थे तो क्या ये रफुल्यादैन वाली हदीस अबू हनीफा के सामने नहीं आई थी इसको तो सबसे पहले लिखने वाले ही इमाम अजम अबू हनीफा हैं उसकी वजह यह है कि इमाम अजम अबू हनीफा वो हैं जिन्होंने सहाबा का ज़माना पाया सहाबा इकराम से रिवायात ली सहाबा के कौल अमल और फ़ेल को महफूज किया ये जो इमाम बुखारी तक अदीस पहुंची, ये अबू हनीफा से पहुंची। इमाम मुस्लि, मुस्लिम तक जो हदीसें पहुंची, ये तो अबू हनीफा की निगाह से गुजर के पहुंची हैं ये जो इमाम तिरमिजी के पास हदीसें पहुंची, ये तो इमाम बुखारी के वास्ते से पहुंची हैं उसकी वजह यह है अबू हनीफा वो हैं जिनका तल्लुक सहाबा के साथ है तो ये कैसे हुआ हदीस बुखारी तक पहुंची और अबू हनीफा के निगाहों से न गुजरी हो सकता है नहीं, नहीं।, 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 नहीं। हदीस इमाम बुखारी तक पहुंची है और पहुंचाने वाले कौन है इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम आजम अबू हनीफा वो हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी की सारी अहादीस को फिकही अबाब के मुताबिक जमा किया और एक जगह लिखा तो ये कैसे हो सकता है कि इमाम आजम अबू अनीफा आजम वो हैं कि जब किसी मसले का जवाब देते तो सारी अहादीस को सामने रख कर मसाइल का जवाब देते तो क्या अब इमाम आजम अबीफा रहमत के सामने ये अहादीस नहीं थी थी तो हमें इमाम आजम अबू पे ऐसे एतमाद है कि कोई हमसे सवाल करे ना हमें अपने मसले पे शक है ना इमाम आजम अबू हनीफा की फकाहत पे शक है वजह क्या है हमसे जब लोग सवाल करने आते हैं ना हमारे साथी कहते हैं जी पता नहीं ये दलील कहाँ होगी पता नहीं हदीस में होगी भी सही के नहीं ये तो इमाम आजम अब हनीफा रमत ने कैसा मसला बता दिया ये तो बिल्कुल हदीस के भी खिलाफ नजर आ रहा है जब लोग अपने अहादीस और दलाइल पेश करते हैं ये उनके नहीं है वजह कैसे ये बात समझ लें कि किसी भी अकीदे पर किसी भी मसले पर किसी मुखालिफ मसलक वालों की कोई एक दलील भी नहीं बनती वजह क्या है जब आप मसाइल की तनकीह को समझेंगे ना और फिर आप मसाइल की बुनियादों को समझेंगे तो फिर आपको कोई भी दलील अपने खिलाफ नजर नहीं आएगी उसकी एक मिसाल मैं अकीदे की देता हूं और फिर मैं अपने मसले की देता हूं हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर जगह मौजूद है क्या अकीदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर जगह मौजूद है अब हर जगह से मतलब क्या है आसमान जमीन मशरिक मगरिब दुनिया का हर जर्रा दुनिया का हर कोना जहां देखें जहां चाहें अल्लाह ही की जात मौजूद है अब यह अकैदा हो गया ना मुखालिफ का अकीदा क्या है कि अल्लाह इज्जत की ज़ात सिर्फ अर्श पर है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का इलम हर जगह है जात सिर्फ अर्श पर है अच्छा उनका अकीदा और हमारा अकीदा देखें अब उनके दलायल और हमारे दलाइल देखें हम कहते हैं कि जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर जगह है अब सवाल क्या होगा मलना साहब अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर जगह है तो फिर अल्लाह ये क्यों फरमा रहे हैं वह इबादी करीब कि मैं तो हर बंदे के करीब हूँ अच्छा अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर जगह मौजूद है तो फिर इसका ये क्या मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहज्जुद के वक़्त जो है ऊपर से नीचे की तरफ तशरीफ लाते हैं आस निचले आसमान की तरफ और फिर ऐलान फरमाते हैं कि, कोई है इस वक्त जो मुझसे मांगे और मैं उसकी मफफरत करूँ और फिर अगर, अगर अल्लाह रबुजत की ज़ात हर जगह मौजूद है तो फिर ये जो कुरान की बाकी आयात हैं आ आमिन तुम फिसमा कि अल्लाह रबुजत तो आसमान में अगर आप कहते हैं कि अल्लाह रबुज की ज़ात हर जगह मौजूद है तो फिर इसका क्या मतलब है मा याकुन नजवा सलासतिन अल्लाह रबुजत तो वहाँ हैं जहां तीन बंदे हों चौथा अल्लाह है, तो अगर आप कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है तो इन आयात का क्या मतलब है हम कहते हैं कि ये सारी आयात ही तो हमारे अकीदे पे दलालत कर रही हैं। जब हमने ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिया कि अल्लाह की जात हर जगह है अब हर जगह में हर चीज आ गई ये तो तुम्हारे मुखालिफ बनती हैं ये आयात तुमने कहा था कि सिर्फ अल्लाह अर्श पर है अब हर वो आयात या हर वो अहादीस जिसमें यह है कि अल्लाह आसमान में है अल्लाह जमीन में है अल्लाह रबुल इजत मशरक में अल्लाह रबुल इजत मगरब में अब ये तो तुम्हारे खिलाफ बनती हैं कि तुमने एक जगह माना था तो ये बाकी जगह अल्लाह कहाँ से आ गए और जब हमने कहा कि अल्लाह हर जगह है तो हर कुरान की आयत हमारे मुखालफ नहीं हमारे ही अकीदे की वजाहत है तो अब कुरान की कोई आयत अल्लाह के नबी की कोई हदीस हमारे अकीदे के खिलाफ ही नहीं हो सकती वो जो पढ़े फिर हमारी दलील वो जो पढ़ेंगे फिर हमारी दलील वो जो हदीस पढ़ेंगे फिर भी हमारी दलील क्यों हमने क्या नजरिया बनाया कि अल्लाह रब हर जगह हैं। अब वो समझते हैं कि ये कुरान की आयत इनके खिलाफ हो गई इन्होंने कहा हर जगह है अल्लाह कह रहे हैं कि मैं हर बंदे के करीब हूं इनने कहा हर जगह है अल्लाह रबुजत कह रहे हैं कि मैं तो मशरक मग़रब में हूं इन्होंने कहा हर जगह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि मैं तो अर्श पे हूँ तो वो ये समझते हैं कि ये जो दलाइल हैं ये इनके खिलाफ हैं हमने कहा अर्श से लेकर फर्श तक मशरिक से लेकर मगरिब तक दाएं से बाएं बाएं से दाएं फोक से तहत तहत से फोक हर जगह अल्लाह ही अल्लाह है जो भी दलील है वो हमारी है बात ही खत्म अब तुम दलील शौक से पढ़ो तुम कुरान की आयत शौक से पढ़ो वो किसकी आयत वो किसके अकीदे पे दलील होगी तो बात ही खत्म तो कोई दलील हमारे खिलाफ नहीं हो सकती हां ये सारी आयत उनके खिलाफ होंगी और ये सारे दलाइल उनके खिलाफ होंगे क्यों उन्होंने सिर्फ अल्लाह रबुल इजत को अर्श पे माना बाकी कहीं नहीं माना जबकि कुरान की आयत बता रही है कि यहां भी है यहां भी है यहां भी है इन आयात का तुम क्या जवाब दोगे इनका जवाब तुम्हारे जिम्मे बनता है हमारे जिम्मे नहीं बनता अब देखो बात मसला अरे मसलाजी घुम्मन साहब दामद बरकतिया की जो ताबीरत है ना ये आपको किताबों में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी ये मैं आपको तहदीस बिन नहमत के तौर पर कह रहा हूं और ये अपने उस्तादों से ही हमने पढ़ा अब देखें कि वो ताबीर है जिसके दो फायदे हैं एक क्या कि आपके अकीदे की वजाहत हो गई एक ही जुमले में नंबर दो कोई भी दलील आपके अकीदे के खिलाफ नहीं हो सकती और नंबर तीन जो उनका अकीदा होगा जो वो दलाइल आपके मुखालफत में पेश कर रहे होंगे वो सब के सब दलाइल उनके मुंह पर तमाचा होंगे आप ताबीरत ऐसी इस्तेमाल करें अब ये हमारा मसला है ये मैंने मिसालें और ये क्यों दी मैंने कहा था ना आपको दोनों तर्ज आने चाहिए अवामी भी खुद भी समझना है और आगे समझाना कैसे है ये दोनों तर्ज आपको आने चाहिए मसला है तरक यदैन के नमाज में हाथों को ना उठाना अब हमारा मौका देखें बड़ा साफ दो टोक है कि पूरी नमाज में सिर्फ तकबीर तहरीमा में रफुल यदैन है बाकी पूरी नमाज में रुकू शिजदा खड़े होते उठते बैठते हर तकबीर के साथ जिस तरह भी हो तकबीर तहरीमा के अलावा पूरी रकात, पूरी नमाज में रफुल्यादैन नहीं है यह हमारा हमारा मसला है हमारा मौकफ भी है क्यों उसकी वजह अब अगला जुमला सुने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफुल्यादैन साबित है और हजूर सल्लाम से जिन जिन मकाम पर हाथों को उठाना साबित है उन उन मकाम पर हाथों का छोड़ना भी साबित है अब हमने वजाहत कर दी कि नमाज में रफुल यदेन हाथों को उठाना साबित हमने इकरार और एतराफ़ खुले आम कर लिया हमने इनकार किया नहीं किया और अब हम पूरी नमाज में अट्ठाईस मकाम पर रफुल यदेन मान रहे हैं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं गैर मुकल्दीन दस जगह पे करते हैं दस पे भी नहीं बल्कि अठारह और दस और अट्ठारह कितने हो गए अट्ठाईस अगर तुम दस को मानकर और अट्ठारह का इनकार करके तोज्जो रखना तुम दस को मानकर दस जगह पर रफुल दिन करके अट्ठारह पर न करके तुम फिर भी अपने आप को अहले हदीस कहो और हम 28 में से एक पर तो कर रहे हैं सत्ताईस पर नहीं कर रहे कुछ तुम भी छोड़ रहे हो कुछ हम भी छोड़ रहे हैं कुछ जवाब तुम्हारे जिम्मे बनता है कुछ हमारे जिम्मे बनता है तो हम एक पर कर रहे हैं अट्ठाईस सत्ताईस पर नहीं कर रहे और तुम दस पे कर रहे हो अठारह पे नहीं कर रहे तो पहला मसला ये है कि हम तुमसे बड़े अहले हदीस हुए क्यों हम दस की जगह कितने मान रहे हैं और वो कितने मान रहे हैं दस तो दस का हिंसा ज्यादा है या अट्ठाईस का बोलो हम इनकार कर रहे हैं हम इसमें इंकार नहीं करते क्यों अगर तुम दस जगह पर मानकर और तुम करते हो बाकी अट्ठारह पे नहीं करते तुम फिर भी अल-हदीस हो और हम अट्ठारह पे नहीं हम कह रहे हैं सत्ताईस और भी साबित हैं एक पे हम कर रहे हैं तो हम तो तुमसे बड़े हदीस हुए दलीलें तुम्हारे पास अधूरी हैं हमारे पास पूरी हैं आओ हमसे सुनो अब देखो अब हमने रफुल यदैन मसले का इनकार नहीं किया बल्कि हमने तो खुलेआम इकरार किया है हम क्यों छुपे हम क्यों भागें तो जब हम अट्ठाईस पर मान रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अहादीस भी तो है ना तो जब अहादीस हैं तवज्जो रखना मैं अगला नुकता जो अर्ज करने लगाऊ ना वो सारे के सारे मसले की वजाहत है तवज्जो रखना हम अट्ठाईस पर मान रहे हैं और 28 मकाम की अहादीस भी साबित कर रहे हैं अट्ठाईस मकाम की बोलो साबित कर रहे हैं तो बताओ क्या अगर तुम हमारी मुखालफत में अगर सिर्फ रुकू के रफुल यदेन की हदीस बताओगे तो वो हमारे खिलाफ होगी हमने तो पहले ही कहा हमने क्या कहा हमने तो पहले ही कहा अब वो अट्ठाईस क्या है? मसले की मैं तनकीह कर रहा हूं इसको बड़ी अहमियत त... के साथ आप हजरात समझें मसला क्या है कि रफुल यदेन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित तो जब जो चीज़ साबित है वह अदीस में तो होगी ना उसका तो इनकार नहीं किया जा सकता उसको छुपाया भी नहीं जा सकता उसको किताबों से निकाला भी नहीं जा सकता लेकिन अब उस पर अमल है कि नहीं अल्लाह के नबी ने छोड़ा भी है कि नहीं या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम के मुकाबले में कोई दूसरा काम भी किया है कि नहीं या सिर्फ वही काम साबित है ये तीन चार जुमले हैं नंबर एक अल्लाह के नबी वसल्लम से क्या सिर्फ वही अमल साबित है उसके मुकाबले में कोई और कोई नहीं नंबर एक नंबर दो क्या अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से वो अमल साबित है लेकिन उसके मुकाबले में बिल्कुल उसकी मुखालफत में दूसरा भी साबित है और नंबर तीन या अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने एक अमल को शुरू ही नहीं किया और हम उसे मान रहे हैं और नंबर चार क्या हम इस मोड़ पर हैं

हम ये कह रहे हो कि हुजूर से साबित ही नहीं ना रुकू का न सीजतू किसी जगह का साबित नहीं उन्होंने कहा देखो रुकू का साबित है उन्होंने कहा देखें तीसरे रकात में उठते वक्त साबित है ऐसी बात नहीं नंबर दो क्या यह है कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने एक अमल शुरू किया फिर उस अमल के मुकाबले में दूसरा अमल भी मौजूद है लेकिन दूसरा बे ही उसके मुखालिफ है एक मकाम पर करना साबित है और दूसरे मकाम पर छोड़ना साबित है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उस अमल को कर रहे हैं और बाद में उस अमल को क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं तो अब हमने अल्लाह के नबी के उस अमल को देखना है जो बाद वाला है बाद वाला अमल है छोड़ना पहले वाला अमल है करना तो अल्लाह के नबी की सुन्नत इतबा इसी में है कि जब जिस चीज को अल्लाह के नबी फरमाए तो उम्मती करे और जब अल्लाह के नबी उस अमल को छोड़े तो उम्मती भी छोड़ दे कभी किसी काम के करने में सुन्नत होता है और कभी किसी काम के न करने में सुन्नत होता है इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दे दूं, कि साढ़े दस तक है ना सब ये दस तक है साढ़े दस, साड़े दस। मैंने आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना मसला अधूरा हो जाए भले हो जाए कोई मसला नहीं है क्यों आपके खाने का वक्त ना ना और खाने का वक्त बड़ा कीमती है मसला ख़ैर है हाँ क्यों जिस बात का हमें पता है ना बस वो साफ़ पता है अब मैं एक बात आपसे कहूँ तो शायद आप भी ये बात हमें अच्छी तरह पता है कि सबक जब का वक्त पूरा हो जाए ना उसके बाद आप जितनी अहम बातें बताओ तलबा कि सर से ऊपर से जा रही होती ऐसा ही है कि नहीं तो मैं हमने अपने सबक के दौरान मैं किसी और की बोरी मैंने आज तक अपने अभी बाद हमारे इस होते तो किताब के हाशिए में लिख दिया था कि कभी भी पढ़ाते वक्त वक्त से ऊपर नहीं जाना क्यों वो जब छुट्टी का टाइम हो जाए या घंटा ऊपर हो जाए जितना भी हम हो ना तलबा कहते हैं बाबा जब जितना हमने शौक़ से समझ लिया लेना था वो समझ लिया इससे आगे हमारे जो है वो दिमाग काम नहीं कर रहा और फिर दो वक्त या तो जुमेरात की छुट्टी का वक्त हो या फिर जो है वो खाने की छुट्टी का वक्त हो या असर की अज़ान का वक्त हो ऐसे ही है ना तो इस वजह से मैंने अपने वक्त अपने वक्त का भी ख्याल रखना है और आपके समझ का भी ख्याल रखना है मैं समझाता रहूँ आप कह जी अब सब जाते रहो हमारे सर से ऊपर से गुजर रहा है ऐसे रही होगा खैर तो ये जो यदैन है कहाँ बात चल रही थी साबित कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब रफुल यदेन का छोड़ना भी साबित है तो कभी किसी काम के करने में सुन्नत होता है और कभी किसी काम के न करने में सुन्नत होता है असल इसमें बुनियाद है नबी की इत्तिबा। अल्लाह के नबी ने जिसको जिस तरह किया वैसे करना है। ने छोड़ दिया छोड़ने में सुन्नत जैसे हम अवामान्नास में समझाते हैं गैर मुखलदीन हजरात धोखा देने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बुनियादें बांधते हैं और बुनियादें बड़ी अच्छी मीठी बड़ी लजीज बुनियादें बांधते हैं और ऊपर फिर जाकर जहर क्या उगलते हैं वो बाद में पता होता है जैसे वो कहते हैं नमाज में आपने मसला शायद पढ़ाओ कि नमाज में जो है वो टोपी पहनना कोई सुन्नत नहीं है कोई अहादी से साबित नहीं है ये मोल में खाम खाफ लोगों को खराब किया अच्छा कैसे खराब किया हुआ कहा जी ये बताओ कि तुम्हारी मस्जिद महल्ले की मस्जिद ये अफजल है या हरम अफजल है कहा जी हरम अच्छा ये बताओ एक नमाज तुम्हारे यहाँ पर है एक ये इबादत है और दूसरी इबादत है हज और उम्र वहाँ पर देखो वहाँ पर क्या है नंगे सर बाल बिल्कुल खुले हुए और जिसम के ऊपर ऐसे तो अगर टोपी पहनना पगड़ी पहनना नमाज के लिए इतनी अहमियत का हामिल था तो वहाँ पर क्यों नहीं पहनी जाती तो इससे पता यह चला कहते हैं कि टोपी वोपी पहनना कोई सुन्नत नहीं है ना कोई इसकी अफजलियत है ना कोई सवाब है क्यों अगर इसमें सवाब ज्यादा होता तो उस इबादत में सवाब की जरूरत ज्यादा है तो वहां पर पहनी जाती लिहाजा इन मौलवियों ने ऐसे धोखा दिया हुआ है नंगे सर नमाज पढ़ो अब हम उसके जवाब तो आपने कही लेकिन वहां पर एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं असल चीज है इतवा सुन्नत जिस मोड़ पर जिस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया वैसे सुन्नत जिस जहां पर जैसे किया वैसे सुन्नत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफुल यदैन फरमा रहे थे तो सुन्नत था सहाबा ने अब हुजूर को करते देखा है तो जाहिर सी बात है उस पर अहादीश भी आएगी उस पर सहाबा की नमाज भी आपके सामने आएगी और जब अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया तो अब छोड़ने की अहादीश भी आएंगी और सहाबा इकराम के रफुल बगैर रफु यदैन वाली नमाज भी आएगी तो मसला तो बिल्कुल साफ है तो अब हम क्या हम रफुल हो सकती अब आपके सामने कोई पेश करे देखो सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं रफुल यदैन साबित है हजूर फरमाते थे अब आप कोई आपसे यह कहे कि देखो सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने लाया है। जी ये देखें ये हदीस है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से फला साहबी से और कोई आपसे ये कह सुना ना बिदावत में देखें भाई वो तो हदीस आनी है ना क्यों जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खड़े होकर पेशाब करना साबित है तो इमाम बुखारी ने नहीं लाया लाया उस पे अमल है नहीं है फिर आप अगर अमल करते हैं तो फिर आप ये फतवा जारी करें कि नबी की सुन्नत हमेशा की खड़े होकर पिशाब करना है बैठ कर पेशाब करना खिलाफ है सुन्नत है वजह क्या है हदीस इमाम बुखारी ने नहीं लाई हदीस इमाम बुखारी ने जो लाई है वो खड़े होकर पिशाब करने की लाई अब आप अवाम को समझाओ देखो अवाम को बात कैसे नहीं समझ में आती बुखारी को मैं यार बना तो मसला यह है कि दुनिया की कोई हदीस आपके सामने पेश हो उसकी सनद पर बात बाद में उसकी सनत का जवाब बाद में कि वो हदीस सही है जयीफ है क्या है लेकिन कोई भी हदीस हमारे मौकफ के खिलाफ नहीं हो सकती क्योंकि हम कह रहे हैं कि साबित है, अल्लाह के नबी ने किया है सिर्फ दस पर नहीं अट्ठारह और मकाम भी हैं तुमने सिर्फ दस पे माना हमने अठारह और दिखाई तुमने सिर्फ दस को किया हमने एक को किया तुमने अठारह को छोड़ा दस को किया हमने सत्ताईस को छोड़ा द एक को किया तो 18 की नफी तो हो गई बाकी बची नौ उसका सबूत भी हम दिखा देंगे 18 तुमने भी दिखानी है 18 पर मामला बराबर है न तुम कर रहे हो ना हम कर रहे जो जवाब तुम्हारा नबी ने छोड़ दी वही जवाब हमारा नबी ने छोड़ दी बाकी नौ तुम नहीं मान रहे दलाइल हम देते हैं मान तुम लोग वो भी छोड़ना साबित है अठारह पर तुम्हारी हमारी बात एक है क्या भाई छोड़ दिया बाकी नौ हमसे ले लो ना लेकिन क्या नहीं अगर गैर मुकल्दी हजरात आपके सामने अपने मौकफ के मुताबिक कोई दुनिया का गैर मुक़ल्लिद आज तक उस माँ ने वो बेटा गैर मुकलू का जना ही नहीं है जो इमाम आजम अबू हनीफा की फिका की मुखालफत में कुरान की कोई आयत और नबी का कोई फरमान ले आए अबू हनीफा ने खुदा को ऐसे नहीं पैदा किया था कि उसका 1400 साल के बाद कोई डॉक्टर इंजीनियर कोई चूड़ा चुमारा कर अबू हनीफा के बताए हुए मसले की मुखालफत करे ये कभी नहीं हो सकता डॉक्टर अपनी दलील अपने पास रखे इंजीनियर अपनी दलील अपने पास रखे कोई दुनिया का प्रोफेसर दलील अपने पास रखे मसला अबू हनीफा बताए दलील हम बात में तलाश करेंगे उसकी हकानियत की वजह हम पहले बताएंगे कोई अबू हनीफा छोटे शख्स है नहीं नबी के इशारात में अहादी से मुबारक में कुरान की आयत में तस्कर अबू हनीफा का सहाबा के शागिर्द अबू हनीफा इमाम आजम अबू हनीफा अल्लाह के नबी के फरमाए हुए फरमान के मुताबिक इमाम आजम अबू हनीफा की बशारत सहबा के शागिर्द सहबा का ज़माना अबू हनीफा ने अपनी आंखों से देखा अल्लाह ने इमाम आजम अबू हनीफा से पैगंबर की खत्म में नबुवत की चौकीदारी का काम लिया उधर अल्लाह ने क़ुरान मजीद नबी पे उतारा लेकिन नबूवत के दौर में कुरान जमा नहीं हुआ जमा सिद्धि के अकबर ने किया क्योंकि पैगम्बर आखिरी हैं अल्लाह ने नबी की नबुवत को आखिरी बना के भेजा है हुजूर पर कुरान उतरा ये कयामत तक बाकी रहेगा अल्लाह के नबी की जबान मुबारक से अहादीस निकली जिस तरह कयामत तक नबी का फरमान भी कयामत तक उधर कुरान नबी पे उतरा लेकिन एक जगह जमा नहीं अल्लाह ने यह काम खलीफा अव्वल सैदना सिद्दीक अकबर से लिया कि उन्होंने कुरान को एक जगह किताबी शक्ल में जमा किया उधर नबी की फरमान से मुबारक क्यामत तक बाकी रहना थी अल्लाह ने उसका काम भी सहाबा के शागिर्द इमाम आजम अबू हनीफा से लिया उधर अल्लाह ने अपने पैगाम को महफूज करने के लिए खिदमत पैगम्बर के शागिद अव्वल सैदना सिद्दीके अकबर से ली इधर अल्लाह ने नबी की अहादीस की हिफाजत की जिम्मेदारी और ये खिदमत अल्लाह ने सहाबा के पहले शागिर्द अबू हनीफा को दी जो कुरान को किताबी शक्ल में पहले जमा करे उसका नाम अबू बकर है जो अल्लाह के नबी की अहादीस को सबसे पहले किताबी शक्ल में जमा करे उसका नाम अबू हनीफा अबू बकर भी ठीक अबू हनीफा भी ठीक है तुम कहते हो अबू हनीफा मसला अबू हनीफा बताए और तुम्हारा दर्जी चेक करे कुरान की आयत सिद्दीक अकबर जमा करें दुनिया का राफजी उसे रद्द करे ये नहीं हो सकता हम चुप रहे ये नहीं हो सकता क्यों अब मजा आया ना आपको मजा क्यों आया अब आपको यकीन आ रहा है कि हम कमजोर मोड़ पर नहीं है क्यों वजह क्या है बुनियाद क्या है? हमारा बड़ों पर एतमाद है बस और कुछ नहीं है जब बड़ों से एतमाद हटता है फिर फितने की इब्तदा वहीं से होती है बड़ों के ऊपर से जब एतमाद हटता है आप एतम देवबंद से हटाओगे आपका एतमाद अबू हनीफा से उठेगा आप अबू हनीफा से एतमाद उठाओगे आपका एतमाद सहाबा से उठेगा आप सहाबा से एतमाद उठाओगे आपका एतमाद नबुवत से उठेगा आप नबुअत से एतमाद उठाओगे आपका एतमाद खुदा से हटेगा हम वो लोग हैं हम चाहते हैं ना एतमाद खुदा से हटे ना नबूवत से हटे ना साहबा से हटे ना अबू हनीफा से हटे उलमाए देवबंद से हटे देवबंद नाम ही एतमाद का है अगर अपने आप को देवबंदी मानते हो ना तो पहला काम है एतमाद करो बद एतमादी नहीं बद एतमादी पैदा करोगे ना तो फिर आप एक स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप चौथा स्टेप आप गिर जाओगे और इस वजह से बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब फितने की एक सीढ़ी जब गिरती है ना तो सारी सीढ़ी एकदम एक गिर जाती हैं अब अपने मसले की दर, वो भी मसला था वो जो मैंने आपको समझा तो इमाम आजम और ने ये जो हमें बताया कि रफ यदैन सिर्फ पहली तकबीर में बाकी पूरी नमाज में यदैन तवज्जो रखना साबित है अल्लाह के नबी से जिस तरह करना साबित उसी तरह छोड़ ले तो अब हमारे सामने दोनों अहदीस आ जाएं अगर करने वाली आ जाएं वो भी हमारी दलील है क्योंकि हम कह रहे हैं और अगर छोड़ने वाली अहदीस आ जाएं वो भी हमारी दलील है क्योंकि हमारा अमल है छोड़ने वाली अहदीस बाद में करने वाली अहदीस पहले इसी वजह से अल्लाह के नबी की कोई हदीस या किसी भी मुहदीस की कोई हदीस ना हमारे खिलाफ है ना किसी मुहदीस की लाई हुई कोई हदीस अबू हनीफा के खिलाफ है पहला जवाब दुनिया जहां में ये जाप्ता याद रखना दूसरा जवाब क्या है जब आपको दुनिया कहती है कि जी इस चीज को आप क्यों नहीं मानते या फला की बात को आप क्यों नहीं मानते तो आप दूसरा जवाब ये दें हम पूरा मानते हैं आप अधूरा मानते हो बस और आपको ये जवाब हर जगह नजर आएगा कहीं पर हर जगह आपको ये नजर आएगा आधी बात को ले लेंगे आधी को छोड़ देंगे इन नकला तुस्में बस इतना अम गैर वह इतना अच्छा का मत इतना और कुरान की दो आयात लेकिन वो उनकी दलील बनेगी नहीं वैसे मिसाल के तौर पर आप तो पेश कर रहा हूँ फिर बिल्कुल इसी तरह गैर मुकलिदीन देखो देखो जी यदैन साबित फ़लानी अपने मौकफ़ के मुताबिक तो अब देखें गैर मुकल्दी हजरात की साथ जब हमारी गुफ्तु हो या होती है अब हमारे मजबूत किस्म के सवालात क्या होते हैं हम कहते हैं रफुल याद करना फर्ज है वाजिब है सुन्नत है मुस्तहब है क्या है ये क्या है वो जो जवाब दे उस पर दो जबते एक क्या आपने फौरन कहना है इस पर अल्लाह का फरमान हो या नबी का फरमान हो बस ये दिखाएं दाएं बाएं नहीं जान क्यों दाएं बाएं जाएंगे तो फिर तकलीद किसी उम्मती की बात फिर किसी और ये तो शर्ग हो जाएगा तो गिरफ्त अपनी मजबूत रखें गिरफ्त का गिरफ्त के मजबूत होने का मतलब क्या है जो उनके उसूल और जबते हैं उन्होंने बनाए है? हम बिल्कुल उसी तरह सवाल करते हैं नंबर दो अब वो कहेगा रफुल यदैन फर्ज है कुरान की आयत रफुलैदैन फर्ज है सही बुखारी से हदीस पढ़े रफुलयदैन वाजिब है सुन्नत है मुस्ब है क्या है आप किताबों के नाम लेते जाओ और कहो जी एक, एक करके इस पर हदीस पढ़ो नंबर दो आप पूरी नमाज में दस मकाम पर यदैन कर रहे हैं अट्ठारह पर आप नहीं कर रहे अल्लाह के नबी की ऐसी हदीस लाओ जिसमें अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया है कि इन दस मकाम पर करो और इन अट्ठारह पर नहीं करो याद हो गया ऐसी हदीस जिसमें अल्लाह के नबी का क्या हो हुक्म जैसे वो हमसे कहते हैं कि जी अल्लाह के नबी ने मना कहां दिखाई है रफुल्यदीन से कहां मना किया लाओ हदीस हम कहते हैं ऐसी हदीस लाओ कि अल्लाह के नबी ने फरमाओ दस पर करो और बाकी अट्ठारह पर नहीं करो ऐसी हदीस लाओ नंबर तीन आप जो हदीस लाएं वो ऐसी हदीस होनी चाहिए जो सही भी हो सरी भी हो और गैर मुआरज हो क्या मतलब उसके मुकाबले में कोई दूसरी हदीस ना हो मिसाल आप कह रहे हैं कि रुकू में रफुलयदन करना है तो रुकू के छोड़ने वाली हदीस ना हो बस यही बात हो आप कह रहे हैं कि तीसरी रकात में खड़े होते वक्त रफुल्यादीन करना है तो तीसरी रकात में छोड़ने की हदीस न हो यह है गैर मुख कोई ऐसी हदीस ना हो जो इस हदीस से टकराती हो और अगली बात यह है कि जो शख्स रफुल्यादीन नहीं करता उसकी नमाज होती है या नहीं उसकी नमाज है? होती है या नहीं ये वो चार सवाल हैं जो आपकी डायरी में भी और आपके दिल और दिमाग में भी और आपकी जबान पर भी होने चाहिए ये जो सवालात हैं इनको अपने पास याद रखें आपको दलाइल याद हो ना हो कोई बंदा आपसे सवाल करता है आप उसे फट ये सवाल करें क्यामत तो आ सकती है उल्टा लटक सकता है गलत हदीसें पढ़ सकता है लेकिन अपने मौकफ के मुताबिक हदीस कभी नहीं पेश कर सकता अब बात समझ में आ रही है तो ये जो मसला है ये कोई इतना गंभीर नहीं है अच्छा हम क्या करते हैं जब हमारा ये मसला शुरू होता है ना दरस निजामी की कुतुब में तो वहां पर इस फरमाते हैं कि बड़ा मार्कतुल आरा मसला है वो पहले से फरमाते हैं ना वो क्यों वो तलबा को पहले भाई इस मसले के ज्यादा करीब रिया ना बहुत मार्कतुल आरा मसला है और कोई मुसनफ़ अपनी किताबों में लिखेगा तो ऊपर मार्कतल आरा मसला तलबा को हमने पहले से ही डराया हुआ है ख़बरदार यहाँ पर बहुत डेंजर मामलात है इस तरफ नहीं आना लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है ना कोई परेशानी की बात है ना कोई हमें टेंशन की बात है क्यों हमारे पास क्या दलाइल नहीं है या हमारे पास जो है कोई कुरान की आयत नहीं है अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है ऐसे नहीं है कोई बात ऐसी नहीं है तो कोई भी हदीस हो वो हमारे खिलाफ़ नहीं है क्यों हमने बरमला ऐलान किया कि रफुलयदैन साबित है और रफुलयद सिर्फ दस पर नहीं टोटल अट्ठाईस मकाम पर साबित है सिर्फ क्या है अगली बात हम अट्ठाईस में से एक पर करते हैं सत्ताईस पर नहीं करते जवाब क्या है अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया और तुम अट्ठाईस में से दस पे करते हो अट्ठारह का जवाब तुम ये देते हो कि अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया तो जब तुम अट्ठारह का दिखाओगे अट्ठारह का तुमने तुम्हारी बड़ी मेहरबानी तुमने हमारा काम कुछ हल्का कर दिया अठारह पर न करना तुमने दिखा दिया रहा मामला नौ का तो नौ वाली रिवायात भी हम पेश कर देते हैं मान तुम लोग ये कौन सी बात है दूसरी बात आप लोगों को समझाएं ये हदीस के नाम पर हदीस का इनकार है क्यों उसकी वजह क्या है उसकी वजह देखें ये है कि दुनिया में अपना माल बेचने के लिए तरीका यह कि आपका लेबल बड़ा मीठा होना चाहिए अब दुनिया में लेबल क्या अहल हदीस अच्छा जितने भी फजाइल एह हदीस मुहद्दिसीन के आएंगे एहल हदीस का अब मतलब क्या है जैसे हमारे यहाँ हुफाज कुरान एक तबका है कुरान मजीद याद करें उन्हें क्या कहते हैं हुफ़ाज़ अच्छा तो बिल्कुल इसी तरह जो अल्लाह के नबी की अहादीस जिसे सबसे ज्यादा याद होती थी उसे क्या कहते थे अहल हदीस असहाबुलहदीस उफाज उलहदीस मुहदसिन जैसे कुर्रा उधर मुहदसिन तो बिल्कुल हमारे लोग समझते हैं ये अहले अहले हदीस हदीस ना वाकई वाले और हमारे बारे में लोग ये समझते हैं कि ये ये वाकई हनीफा वाले इनका हदीस से कोई लेना देना नहीं है हम ये कहते हैं कि अगर तुमने अहले हदीस को एक फिरका दुनिया में पेश करना है तो फिर कल को हुफाज कुरान भी एक फिरका हो जाएगा कहेंगे जी देखो हमें कुरान पढ़ना आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन कुरान पढ़ना आ रहा है हाँ जी तुम्हें कुरान पढ़ना आता है नहीं कहा जी देखो मुनकर कुरान बैठा हुआ है देखा तो ये दुनिया को चूरन बेचा जा रहा है अहले कुरान के नाम पे कुरान का इनकार और अहले हदीस के नाम पे हदीस का इनकार ये चूरन बेचा जा रहा है ना अल्लाह की कसम अगर इससे भी कोई और लफ्ज होता तो मैं वो कहता अभी गुज़िश्ता कुछ एक दो मकामात पर अब शायद वो बात मैं करूं तो बड़ी वाजे समझ में आ जाएगी दुनिया में हर बंदा कहता है हमें क्या करो मुसलमान समझो क्यों हर बंदा कहता है जी ये तफरीक सारी आपने की हुई है जी फलां को ये ना कहो फलां को ये ना कहो फलां को ये ना कहो मैंने एक जगह समझाया एक बंदा अल्लाह को नहीं मानता फिर भी कहता है मुझे मुसलमान कहो एक बंदा नबी की नबूवत को भी नहीं मानता वो कहता है फिर भी मुझे मुसलमान कहो एक बंदा नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो फिर भी कहता है मुझे मुसलमान मानो एक बंदा नबी के सहाबा के खुलफा को नहीं मानता सारे सहाबा को नवजबिल्ला मुर्तद मानता है फिर भी कहता है मुझे मुसलमान मानो एक बंदा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला रजील्ला और सहाबा पे इनकार कर रहा है और कीचड़ उछाल रहा है फिर भी वो कह रहा है मुसलमान मानो तो ये अजीब चुरन है कि मुसलमान भी मानो और मुझे मैंने मानना भी किसी को नहीं है लोग आते हैं ना हमारे पास जी मौलाना साहब बस मुसलमान बस बाकी दाएं बाएं ये यह सुन्नत ये बल जमात यह हनाब उमत इसके और जवाबा हैं मैंने चार पांच जवाब इसके तलाश किए हैं और मैं अवास को अवामी अंदाज़ में समझाता हूँ दुनिया क्या कहती है जी हमने कुरान पर भी मान नहीं लाना हाँ कुरान की आयत तो कादियानीानी भी पढ़ते हैं ना मकाना मोहम्मद मिर वला के रसूल वा के रसोल्लाबी कादियानीानी नहीं पढ़ते तो क्या उनकी दलील है कोई हमारे सामने कुरान पढ़े और हम कहे जी कुरान ही तो पढ़ रहे हैं ना तो कल को हम कातिया के बारे में भी कहेंगे ये भी कुरान पढ़ रहे हैं फिर आप मान लेंगे नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता कुरान की आयत पढ़नी है तो कुरान की आयत का माना और मफहूम भी वही मानना है जो अल्लाह के नबी और साहबा इकराम ने मुराद लिए तुम कुरान की आयत पढ़ते जाओ और फिर तुम ये कहो कि नहीं माना उसका वो नहीं माना उसका यह जो चौदह सौ साल हम बता रहे हैं अब उसकी एक छोटी सी मिसाल ममाती अदरात अपने अकीदे पर कुरान की आयत पढ़ते हैं कि इससे साफ उन बिचारों के पास वाज आयत नहीं है क्यों अवाम को अम वातुन, अम वातुन। हम कहते हैं ना कि तुम दिखाओ मुर्दा कहते हैं अम आ गया ना लफ्ज हम कहते हैं जी ये लफ्ज दिखाओ जिंदा नहीं है गैर आहिया गैर आहिया बार बार पढ़ेंगे राह को भी पेश करके इतना लंबी मत बना देंगे वो लहजा और तर्स के लिए फिर गैर आहया की मत पांच अलीफ के बराबर है एक घंटे की मत को ले जाएंगे वो आहया अहया का माना जो है ना वो सिर्फ लहजे और तर्स से समझा रहे होते हैं अच्छा होता है क्या है लोग समझते हैं वाकई कुरान की आयत पढ़ी है, बड़ा लहजा मारा है और बिल्कुल अकीदे के मुताबिक बयान किए और अल्लाह के बंदे परले दर्जे के जाहिल अगर कुरान की ये आयत पढ़ने पर तेरे अकीदे पे दलील है तो फिर कादियानी की दलील भी मान भला रसूल अल्लाह व खातमन नबीन के खातमनबीन का माना ये है कि जो जिस पर नबी की मोहर लगती जाए वो कहते हैं गुलाम अहमद कादियानी पर नबी की मोहर लगी है इसलिए वो नबी है अगर अमवातन अहया का माना तू अपना करता है तो फिर कादियानी का माना भी मान तो तो उसका माना माना अगर हम नहीं मानते तो तेरा माना कैसे माने उसकी वजह यह है अमवात ये नबी पे उतरी है गैर अहया ये नबी पे उतरी है क्या अल्लाह के नबी ने अमवात गैर अहया का माना वही लिया जो तू आज का ले रहा है नबी कबर में जिंदा नहीं है नबी कबर में मुर्दा हैं तो क्या ये नबी के दुनिया से जाने के बाद सहाबा नबी की कबर पे गए थे दरूदोसम पढ़ने उनका नजरिया था नबी कबर में जिंदा है तो ऊपर से कुरान की आयत नबी पे उतरी नहीं सहाबा पे उतरी हो अम वाह तुम गैर वाहिया सहबा तुम कहाँ जा रहे हो नबी तो कबर में जिंदा नहीं है नबी तो मुर्दा हैं क्या कुरान की आयत इस पर उतरी है कहते हैं जी नहीं कुरान की आयत नबी नबी पे है तो इसका माना क्या है तुम्हें समझ लेना चाहिए इसका माना इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं इस आयत का ताल्लुक इंसानियत के साथ नहीं इस्लाम के साथ नहीं इसका ताल्लुक उम्मती के साथ नहीं इसका ताल्लुक सवा लाख अंबिया में किसी नबी के साथ नहीं इस आयत का ताल्लुक बुतों के साथ है अल्लाह ताला ने उन्हें समझाने के लिए बताया था तुम इनकी इबादत न करो अमवा तुम ये जिंदा नहीं है ये मुर्दा है तुमने जुलम की इंतहा की आयत बुतों से मुतालिक थी तुमने इंसानों पर भी न पढ़ी तुमने किसी और नबी पे न पढ़ी किसी और मुसलमान पे न पढ़ी तुमने नबी की ऊपर फिट कर दी तो मैं तुमसे बड़ा गुस्साख दुनिया में किसी को नहीं समझता लोगों को समझाओ समझाने से है यह जबान घुट घुट कर से नहीं है लोगों को समझाने से है तो इस वजह से दलील पेश करने से दलील नहीं बन जाती अगर यही जाप्ता बनाना है तो दुनिया जहान में लोग दलाइल पेश कर रहे दुनिया जहान में लोग कुरान की आयत पढ़ रहे हैं राफियों के पास अपने दलाइल हैं मातम के ऊपर अपने दलाइल हैं उनके बाकी अकायद के ऊपर अपने दलाए लें तो फिर इसका क्या मतलब हम उनके कुरान की हर आयत का कुरान की आयत का वही अकीदा समझ ले जो उन्होंने बनाया नहीं हम वो नहीं मान सकते इस वजह से अकीदा हो या मसला दलील वो पढ़ो जो मौकफ के मुताबिक हो दलील वो पढ़ो जो उसी उनवान के मुताबिक हो दलील ऐसी पढ़ो जो आपके मौकफ की तायद करती हो दलील ऐसी पढ़ो जो हमारे मौकफ़ की मुखालफत करती हो लेकिन हमें अल्लाह का इस पर शुक्र है हमारा ताल्लुक उनके साथ है जिनके ना अकीदे के खिलाफ न कुरान की आयत थी न जिनके मसले के खिलाफ कुरान की आयत थी उसकी वजह क्या है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान की बात की है ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी की हदीस की बात की है तो इनका अकीदा हो या मसला हो कुरान के मुखालिफ तब बनेगा जब ये अकीदा बनाते कुरान के मुखालिफ इनका मसला तब हदीस के खिलाफ होता जब ये मसला हदीस के मुखालिफ बनाते ये तो वो तबका है जिन्होंने कुरान की तर्जुमानी भी की है हदीस की तर्जुमानी भी की है कुरान का दिफा भी कर रहे हैं हदीस का दिफाव भी कर रहे हैं तो कैसे खिलाफ हो सकता है हमने कोई अपनी तरफ से नहीं बात की है हमने कहा नहीं तो इस वजह से दलाइल आपके सामने फाइल में मौजूद हैं, कुरान मजीद की आयात मुबारक भी अब हमारा ये जो मौका है कि ये रफ ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा है बस अब इसके ऊपर दलाइल छोड़ने के ऊपर दलाइल हमारे जिम्मे थे हम अगर ये कहते कि रफ ये यह दैन हम नहीं मानते बिल्कुल साबित ही नहीं है फिर तुम एक दलील लाते जी साबित फिर तुम दूसरी लाते जी साबित फिर तुम तीसरी लाते ये देखो साबित फिर तुम चौथी लाते बड़े शौक से तुम दलाई लाते लेकिन हम कह रहे हैं जो साबित है उसको हम भी मान रहे हैं लेकिन जवाब यह है कि जब करना भी साबित है छोड़ना भी साबित है तो हम वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी की सारी अहादी को मान रहे हैं हम छोड़ने वाली भी दिखा रहे हैं हम करने वाली भी हम दिखा रहे हैं बस बात खत्म इस वजह से आपकी फाइल में या आपके सामने जो दलाई लाज है हमारे मौक़ पर कुरान की आयत हमारे मौक़ पर अहादी से मरफुआ हमारे मौकफ़ पर अहादी से मौकूफ़ा अहादी से मकतूवा आय मुजतदीन के अकवाल हमारे मौक़ पर सहाबा इकराम की नमाज हमारे मौकफ़ पर ताबीन इन सब की नमाज हमारे सामने मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल वसम से रफुल्य दैन छोड़ना साबित है इन सब ने आकर गवाही दी कि जी यदेन छोड़ना साबित है अब वजह क्या है वो सिर्फ दलाइल में सही बुखारी से दो दलीलें पेश करते हैं उसके जवाब मैंने पूरे सबक में आप हजरात को समझा दिए अब वो रिवायत पेश करते हैं अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तुब देखो रफुलैदैन साबित हमने कहा हमारे तो खिलाफ है ही नहीं हमने तो पहले इकरार किया रुकू मैं रफुलैदैन है अच्छा जी तो फिर तुम कर क्यों नहीं रहे भाई इसी अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह से रिवायात मौजूद है कि अल्लाह के नबी वसल्लम से सफुल छोड़ना भी साबित है तुमने दलील पेश की सही बुखारी से हजरत मालिक बिन हुए की इसी इसीत मालिक बिन हुएरस रजी अल्लाह से सिजदों की रफुल भी मौजूद है और इसी अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह से वाली यदैन भी मौजूद है हर रकात वाली यदैन भी मौजूद है फिर तुम बिन उमर को पूरा मानो सिर्फ पर क्यों करते हो सब पे करो फिर तुम मालिक बिन हुएरस को पूरा मानो सिर्फ रुकू वाली क्यों करते हो फिर पूरी नमाज वाली करो सिजदों वाली भी करो हर रकात वाली भी करो जी छोड़ दिया था हम कहते हैं जैसे अब्दुल्ला बिन उमर रफुल यदैन के करने वाली हादिस ला रहे हैं तो रफुल यदैन छोड़ने वाली भी बता रहे हैं अब्दुल्ला बिन उमर को मानना है तो पूरा मानो करने वाली भी मानो छोड़ने वाली भी मानो अच्छा अट्ठाईस मरतबा यदैन की तरतीब बता दीजिए अट्ठाईस मकामा पर सिर्फ आसान सी बात है चार रकात वाली नमाज हो चार रकात वाली नमाज में आप कितने है? रुकू कितने हैं चार एक कहाँ से आया देखा हाजिर दिमाग नहीं है खाने की तरफ दिमाग चला गया मैंने पहले कहा टाइम से ऊपर लेकिन मैं ये आप लोगों के जवाब दे रहा हूँ एक चार रकात वाली नमाज में रुकू कितने चार, चार। रुकू में जाते रुकू से सर उठाते आठ सिजदे कितने आठ आठ दूनी सोलह और आठ चौबीस और हर रक़ात के शुरू वाले चार।, चार कितने हो गए नहीं समझ में नहीं समझ पाया आसान सी बात है कोई मुश्किल नहीं है। चार रकात वाली नमाज के हिसाब लो रुकू अलग कर लो सजदे अलग कर लो हर रकात के शुरू वाला अलग कर लो हमने रुकू वाले भी छोड़ दिए चाहे वो करने जाने गए रुकू में चाहे वो रुकू से उठने गए चाहे वो सजदे में जाने गए चाहे वो सजदे से उठने गए चाहे वो हर रक़ात के सिर्फ तकबीर तहरीमा समझ में आ गई बाकी का इमकार नहीं साबित है तो कोई भी दलील हमारे खिलाफ अच्छा ये अट्ठाईस साल हो गया हमारा मौक़ रफुलैदीन के तर्क करने गए और इमाम शाफी रहमत आ रफुलैदैन के कायल हैं इंदर रुकू और इंदर रफिल रस और गैर मुखल्दीन भी इमाम शाफी देखें मैंने पहले कहा कि वो तो मुखलिद तकलीद में आप करें ठीक है जब आप उनसे निकल जाएंगे फिर ये गुमराहियत है फिर हन उनका वाला मान लेंगे आप वाला नहीं मानेंगे क्यों इमाम शाफी ने अगर इख्तलाफ किया है तो इमाम शाफ़ी ने इमाम आजम अजमीफ़ या उनके मुखालदीन को चैलेंज और मुनाजरों की बातें नहीं की थी السلام عليكم ورحمه الله وبركاته